एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था जो इंतहा दर्जे का सुस्त और काहिल था। वो सारा सारा दिन घर पर पड़ा रहता और किसान बेचारा केला खेतों में काम करता। किसान अब बूढ़ा हो रहा था। उसने सोचा कि अब उसके बेटे को अपना काहलपन खत्म कर देना चाहिए, लेकिन कैसे? आखिर किसान के जहन में एक तरकीब आई। अगले दिन किसान ने सुबह सवेरे बेटे को जगाया और कहा, उठो, शहर जाकर कुछ काम तलाश करो ताकि तुम्हें मेहनत से कमाई रकम की अहमियत का अंदाजा हो। ये कहकर किसान अपनी कुदाल संभालता खेतों की जानब भड़ गया। बाप के निकलते ही बेटा फौरन माँ की तरफ पलटा और मुंह बसूर कर बोला, अम्मा, मैं कैसे कमाऊंगा, मुझे तो कोई काम करना नहीं आता। बेटे की बसूरती शक्ल देखकर माँ बेचैन हुई और कमरे में जाकर कुछ सिक्के ले आई। ये सिक्के रख लो, जब तुम्हारा बाप कमाई के मुतल्लक पूछे तो उसे ये पैसे दिखा देना। चुनाचे बेटा शहर की तरफ रवाना हुआ। पूरा दिन वो घूमता फिरता रहा और खूब मजे किए। शाम को घर लौटा तो देखा कि बाप बरामदे में चारपाई पर बैठा है और उसका इंतजार कर रहा है। उसने आगे बढ़कर सिक्के बाप की गोद में रखे और बोला, अब्बा, आज पूरे दिन मेहनत करके ये कमाया है मैंने। बाप ने एक नजर सिक्कों पर डाली और सिक्के उठाकर बरामदे में जलते चूल्हे में फेंक दिए और अंदर चला गया। बेटे ने लापरवाही से कंधे उचकाए और खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन फिर किसान ने बेटे को शहर जाने का कहा। बेटा भी फिर शहर की जानब चल पड़ा। शाम को उसने माँ के दिए सिक्के बाप को दिए तो किसान ने फिर से उन्हें चूल्हे में फेंक दिया। कई दिन तक यही मामूल रहा। यहाँ तक कि जब उसने माँ से सिक्के मांगे तो माँ ने कहा, मेरे पास जितने सिक्के थे सब खत्म हो गए, अब खुद कमाओ और सिक्के लाकर बाप के हाथ में रखो। बेटा माँ के इनकार पर मायूस सा हो गया और शहर की जानब चल पड़ा। शहर पहुँचने के बाद काम की तलाश में एक चाय वाले के पास गया। चाय वाला बोला, मेरे पास जो लड़का काम करता है वो बीमार पड़ गया है, अगर तुम इस काम को संभाल लो तो मैं तुम्हें 3 सिक्के दे दूंगा। किसान का बेटा फौरन राजी हो गया। उस दिन गर्मी में काम करते हुए उसके होश ठिकाने आ गए। उस रोज उसे एहसास हुआ कि उसका बाप कितनी मेहनत से रोजी कमाता है। शाम को जब चाय वाले ने उसे 3 सिक्के दिए तो वो बहुत खुश हुआ। वो सीधा अपने घर पहुंचा तो बाप को अपना मुंतजर पाया। बेटे ने जल्दी से जेब से सिक्के निकालकर बाप के हाथ पर रखे और फखर से कहा, अब्बा, आज मैंने मेहनत से 3 सिक्के कमाए हैं। किसान ने फिर से सिक्के उठाकर चूल्हे में फेंक दिए। बेटा तड़प उठा और सदमे से बोला, अब्बा जान, मैंने पूरे दिन की मेहनत से ये सिक्के कमाए हैं, आपने उन्हें चूल्हे में फेंक दिया। किसान धीमे से मुस्कुराया और बोला, आज वाकई तुमने मेहनत से कमाई रकम मेरे हाथों पर रखी है। अगर इससे पहले भी तुम खुद कमाते तो हर बार सिक्के फेंकने पर यूं ही तड़पते जैसे आज तड़पे हो। मुझे खुशी है कि तुमने रिज़्क़े हलाल कमाया है। मेरे लिए तुम्हारी मेहनत से कमाए ये 3 सिक्के पिछले 7 दिनों के सिक्कों से ज्यादा कीमती और अहम हैं। ये सुनकर बेटा बहुत शर्मिंदा हुआ और बाप से माफी मांगी। फिर अहद भी किया कि आइंदा अपने हाथों से रिज्क कमाएगा। जबकि किसान अपनी तरकीब कारगर साबित होने पर मुस्कुरा दिया।